इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का सेकंड लेक्चर आज मैं लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ कैन वी डिफाइन प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो आज हमारा फोकस रहेगा न्यूमेरिकल्स पे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली हमको कैसे सॉल्व करना है। आगे के लेक्चर्स में हम अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग टेस्ट अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको दिया है क्या वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो क्वेश्चन इज डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय इवैल्यूएटिंग देम। आपको डायरेक्टली सॉल्व करके चेक करना है कि क्या ये इंटीग्रल्स कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कैसे इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है देखिए। फर्स्ट इंटीग्रल इज 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू द पावर 1 बाय 2। इसमें देखिए आप सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इंटीग्रल प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है क्या ये फर्स्ट काइंड का है या सेकंड काइंड का है। देखो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इसमें क्या है, इंफिनिटी है। एक इंटीग्रेशन के लिमिट में इंफिनिटी होगी तो प्रॉपर तो हो नहीं सकता, इम्प्रॉपर ही है। अब इसमें आप क्या करेंगे, किस पॉइंट पे ये फंक्शन की लिमिट डिफाइन नहीं हो पा रही है। अगर आप इसमें इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/∞ 0 होता है, तो इन्फिनिटी में तो डिफाइन हो जा रहा है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है आपका 0 पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो अगर 0 पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है सॉरी ये लिमिट आपकी 1 to ∞ था। 1 से ∞ की अगर हम बात करें तो dx अपॉन x की पावर 1/2। और इस इंटीग्रेशन को आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप इस तरीके से सोच सकते हैं dx अपॉन x रेज टू द पावर 1/2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोई भी एक पर्टिकुलर आप वैल्यू ले लीजिए, उस वैल्यू को लिमिट के अकॉर्डिंग आप रखिए। यहाँ x ले लिया हमने और यहाँ दिया x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली ये होगा अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन की हायर लिमिट है ये कहाँ की वो टेंड हो रही है, इन्फिनिटी की वो टेंड हो रही है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर माइनस 1/2 में इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 1 टू x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर 1/2 टू मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा माइनस 1। इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं x के हायर लिमिट, इसमें क्या x के लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी अगर आएगा इन्फिनिटी से 1 माइनस करेंगे तो तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। इफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज इन्फिनिटी देन द इंटीग्रल इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू डेफिनेटली आ रही है। सेकेंड माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई टू द पावर एक्स, इसमें आप देखिए e की पावर 0 अगर हम रखेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, तो ये जो लोअर लिमिट है इसको हम लिख सकते हैं 0 और यहाँ x लिख दिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, लिमिट x टू 0, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर 0 1 1 माइनस e रेज टू द पावर x, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और e की पावर माइनस इन्फिनिटी को अपॉन में ले जाएंगे तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी। e की वैल्यू होती है 2.78 और 2.78 की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू पूरी इन्फिनिटी बन जाएगी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 मीन्स 1। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, इट मीन्स द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो सेकंड वाला इंटीग्रल क्या आ रहा है आपका, कन्वर्जेंट आ रहा है। थर्ड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के आपके पास डायरेक्टली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएं तो माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी दो पार्ट में इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब लिमिट के टर्म्स में लिखें तो लिखें यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ x टू 0 dx अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जीरो टू एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स एक्स टू जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी टैन इनवर्स एक्स जीरो टू एक्स टैन इनवर्स जीरो जीरो और जीरो माइनस टैन इनवर्स एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस टैन इनवर्स एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी टैन इनवर्स एक्स माइनस जीरो। अब लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये टैन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी बनेगा और टैन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस फाइव बाई टू और एक क्वान्टिटी माइनस का साइन पहले से है इसमें ये प्लस का फाइव बाई टू बन गया और ये टैन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस का फाइव बाई टू फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई टू फाइव फाइनाइट वैल्यू आ रही है इट मीन्स द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो थर्ड इंटीग्रेशन भी आपको क्या मिल रहा है कन्वर्जेंट मिल रहा है। आते हैं फोर्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस हाइपरबोलिक का ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो डी एक्स। तो या तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करके कर लें या डायरेक्टली कर लें वन बाई टू बाहर कर दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एक्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स जिस वैल्यू को डिफाइन नहीं हो पा रहा उस वैल्यू को आप एक्स मान लें। इसको आप दो पार्ट में इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं वन बाई टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इसमें एक माइनस का साइन भी आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा वन बाई टू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ई की पावर जीरो वन ये ई की पावर जीरो ये भी हो जाएगा ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में जाकर के इन्फिनिटी हो जाएगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो और अगला टर्म क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस माइनस प्लस ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी और वैल्यू इन्फिनिटी आ गई मीन्स द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो अगला जो इंटीग्रल है आपका वो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। आते हैं कॉस एक्स में जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डी एक्स इसको क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जीरो टू एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स जीरो टू एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा आपका साइन जीरो जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए जो लिमिट हमको अप्लाई करनी है वो अप्लाई करनी है साइन एक्स में और साइन एक्स में लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक डेफिनेट वैल्यू साइन की हमेशा रहती है। अगर इसमें साइन एक्स के ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफिकली साइन एक्स क्या होता है माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाया करता है एक्स की कोई भी वैल्यू हो लेकिन जब आप साइन इन्फिनिटी निकालेंगे इतना तो क्लियर है कि एक डेफिनेट वैल्यू होगी लेकिन वो वैल्यू क्या होगी माइनस वन और प्लस वन के बीच में बाउंड हो रही होगी लेकिन एक डेफिनेट वैल्यू क्या है वो आप साइन इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये ऑसिलेटरी वैल्यू हो जाएगी और ऑसिलेटरी वैल्यू हो जाएगी तो फिर क्योंकि एक डेफिनेट वैल्यू आप बता नहीं पा रहे होगी तो माइनस वन और प्लस वन के बीच में लेकिन डेफिनेट वैल्यू आप नहीं बता पा रहे तो इट मीन्स इट डाइवर्जेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें और आगे के जो वीडियोस हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के रहेंगे जिसमें हम अलग अलग कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना चेक करेंगे।